नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा गोरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही करेले की इतनी बढ़िया सी और अनोखी सब्जी, जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी या फिर देखी होगी। ये इतनी गजब की लगती है ना, बनाने में भी आसान है और ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी आपको कड़वी नहीं लगेगी। उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम करेले ले लिए, आप चाहे जितने भी ले सकते हैं। इसके ऊपर का छिलका हमें इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें इसमें से देखिए इस तरह से बीच से कट लगाना है आधे तक की, और इसमें अंदर के जो भी बीज है ना वो हमें इस तरह से निकाल लेना है। बीज निकालने के बाद इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे इस तरह से एक करेले में से चार टुकड़े कर देने हैं। तो मैंने इसी तरह से सारे में से कर लिए हैं। देखिए लंबे लंबे चार टुकड़े करना तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब गैस को ऑन करके मैंने यहाँ पर पैन गर्म करने रख दिया है। इसके अंदर मैंने तेल भी डाल दिया है। अब एक गोल बनाएंगे, उसके लिए एक बर्तन में मैंने डाल दिया है एक कप भरकर बेसन, इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेसन का गोल बनाना है। पहले ये जो करेले के टुकड़े हैं बेसन के गोल पर अच्छे से लगाने के बाद इसे हमें तलना है। तो इसके लिए जो गोल है ना बेसन का, देखिए इस तरह से होना चाहिए, गाढ़ा पतला बनाओगे तो टुकड़ों पर चिपकेगा नहीं। अभी जो करेले के टुकड़े हैं इस तरह से अंदर ये गोल में डाल दें, दोनों तरफ अच्छे से गोल आपको लगाना है और एकदम गर्म अच्छे तेल में आपको इसे डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी बारी करते हुए मैं इस तरह से ये पकौड़े डाल रही हूँ और इसे हम एकदम अच्छे से बढ़िया से कुरकुरे हो जाए एकदम बढ़िया, तब तक इसे हमें तल लेना है यानी कि फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पलटते रहिए और ऐसे ही बस एकदम ये सुनहरे हो जाए तब तक इसे पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये पकौड़े भी खाना इतना अच्छा लग रहा था, इतने लजीज थे ना। तो ये करेले के पकौड़े बनकर तो तैयार है, ऐसे प्लेट में भी निकाल लिया है। अब है ना यहाँ पर मैंने पैन में बस दो चम्मच जितना तेल रखा था बाकी बचा निकाल लिया, चौथाई चम्मच जीरा डाल दिया, दो से तीन बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए और इसे हमें अच्छे से भूनना है। प्याज को ज़्यादा लाल होने तक मत भूनना, बस हल्का सा गुलाबी हो जाए तब तक ही भूने। इसी के साथ ना मैंने आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दी ताकि ये भी साथ साथ में भून जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस हल्का सा प्याज गुलाबी हो गया, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो से तीन टमाटर पीसे हुए यानी कि टमाटर की प्यूरी, एकदम अच्छे लाल लाल वाले टमाटर लेना और इसे अच्छे से मिलाते हुए लगभग दो से तीन मिनट के लिए पकाना ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए लगभग ऐसे ही दो मिनट तक पका लीजिए। दो मिनट के बाद ये जो करेले के पकौड़े हैं ना इस तरह से हमें डाल देने हैं। मैं इसे पकौड़े बोल रही हूँ क्योंकि बेसन इस पर कोट किया है, वैसे ये असल वाले पकौड़े नहीं हैं। ये बढ़िया सी सब्जी है जो खाने में बहुत 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 ही टेस्टी लगती है। बस इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और लगभग इसे हम तीन से चार मिनट के लिए पकाएंगे। इसे आपको खुला ही पकाना है, ढककर नहीं। बस देखिए तीन से चार मिनट हो गए तो बस इसके ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दो और अच्छे से इसे मिला लो। तो बनकर तैयार है आपकी ये बढ़िया सी करेले की सब्जी। सच बता रही हूँ, आप इसे ऐसे ही खाओ या गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ, एक टुकड़ा भी इसका कड़वा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।